अच्छा लोग कहते हैं कि ये शरीर मेरा है। अगर यदि आपका ये शरीर हो तो आप एक दिन कोशिश करके देख लेना, शरीर में सारे अंग तो आप ही के हैं। आप अपने बाल को ऐसे पकड़ो, शीशे के सामने जाओ और बोलो कि बाल तुम मेरे हो। अपना कौन होता है जो हमारी हर बात माने? तो बाल को पकड़ करके बोलना कि जब तक मैं ना कहूं सफेद मत होना। अपने दांतों को शीशे में जाकर के देख करके बोलो कि दांत तुम मेरे हो। मैं आदेश देता हूं जब तक मैं ना कहूं न गंदे होना, न सड़ना, न कीड़े लगने देना और न टूटना। अपनी इंद्रियों को कहो कि भुजाओं मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जब तक मैं ना कहूं तुम्हारी शक्ति रंच मात्र भी कम नहीं होनी चाहिए। कह के देखिए, मानेंगे? मानेंगे? अरे कह के मत देखो, आप ऐसे ही देख लो। आप चाहते हो क्या आपके बाल सफेद हो जाएं? कोई चाहता है क्या उसके दांत टूट जाएं, जिससे बढ़िया गन्ना छील के उसका रस चूसते हो और बढ़िया मक्के के वो लावा बना करके उसको खाते हो? फिर चाहता है कोई क्या कि हम दंतहीन हो जाएं? कोई चाहता है हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाए, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाए? लेकिन हो जाती है। ये क्या है? ये ज्ञान है, ये शिक्षा देती है हमें कि वास्तविकता में तुम्हारे एक भी अंग तुम्हारे नहीं है। तो फिर मैं का अभिमान कैसा? देहे इस शरीर में अस्थि, हड्डी, मांस, रुधिर कहते हैं खून को, रक्त को, इन सब में जो तुमने अपनापन मान रखा है कि यही मैं हूं, ऐसे अभिमतिम त्यज, ऐसे मति का त्याग कीजिए पिताजी। और दूसरी बात, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। पत्नी पुत्र ये सब कौन है? मेरे हैं। पहले तो मैं का त्याग करो और फिर दूसरे नंबर में मेरा का त्याग करो।